हमारे साथ जुड़े रहने के लिए टेक्निकल भावेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप अपने YouTube चैनल को डिलीट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि YouTube को हम परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो फिर वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है भावेश घोडकिया और आप देख रहे हैं टेक्निकल भावेश। सो गाइस, चलो इसे देखने के लिए चलते हैं अपने फ़ोन पे। YouTube चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। हम क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन करके इसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ऊपर में यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है youtube.com। YouTube आपको खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपना अकाउंट। आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद सबसे नीचे सेटिंग पर जाएंगे। चलिए सेटिंग पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर ये इस तरीके से खुल गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग। क्लिक करते ही यहाँ कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आप देख सकते हैं डिलीट चैनल का एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डिलीट चैनल। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही ये इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ पे हमें जो है एक बार पासवर्ड पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। ये हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डाल देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, आई वेंट टू हाइड माई चैनल। अगर आप अपने चैनल को परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ हाइड ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है आई वेंट टू परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट। आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमें जो अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना है तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है दिए होंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी जितनी वीडियो है वो डिलीट हो जाएंगी। सब्सक्राइब है जो आपने सब्सक्राइब किए होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। उसके डेटा जो है वो भी डिलीट हो जाएंगे। चलिए यहाँ भी इसे टिक कर देते हैं और डिलीट माई कंटेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ गया है। यहाँ हमें कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए डिलीट माय कंटेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस एक बार टाइप करने कर देना है। चलिए टाइप कर देते हैं। ये हमने ईमेल एड्रेस टाइप कर लिया और अब बस डिलीट माय कंटेंट पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है जो डिलीट हो गया है और उसके जो सारे डेटा है वो भी डिलीट हो गए हैं। यहाँ पर देख दिया हुआ है कि आपके पास थोड़ा सा समय है कि इसे रिकवर करने के लिए। अगर ये एक्सीडेंटली डिलीट हुआ है तो कुछ समय के अंदर आप रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से YouTube चैनल को परमानेंटली डिलीट कर दिया है। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को WhatsApp, Telegram पर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस
तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।